हेलो जैन दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में तो देखो भाई जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि आज से आपका जो है ये आपका हंड्रेड क्वेश्चन वीक रहने वाला है और आज हमारी हंड्रेड क्वेश्चन वीक की पहली क्लास है और आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके की होगी और ये पूरी तरह से आपकी स्टैटिक जीके ही रहने वाली है एकदम आपके आर्मी के लेवल के नए पैटर्न के हिसाब से मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है पूरे 100 प्रश्न एकदम धुआंधार कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठेंगे क्योंकि मुझे पता है जब भी मेरी क्लास होती है आप कितना भी पढ़ लीजिएगा बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नई जानने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होने वाली है और मैंने सिर्फ आपको 80 प्लस प्रश्न राइट करने का टारगेट दिया है क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कुछ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाकर जाने का भी कोई मतलब नहीं है उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा और देखिएगा आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा आज का सेशन है यानी कि आज आपका 27 मार्च है मैंने आपको बोला है स्टैटिक जीके की क्लास जो कि आज आपकी चल रही है कल 28 मार्च को भी ध्यान रखिएगा 28 मार्च की जो क्लास है वो आपकी जनरल साइंस की रहेगी भाई पूरे के पूरे 100 प्रश्न जितनी भी क्लास है सारी 100 प्रश्नों की मैराथन रहेगी ये आपका मैराथन वीक चल रहा है इसके बाद जो 29 मार्च है आपकी क्लास रहेगी हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस की ठीक है जी फिर आपका जो 30 मार्च है उस दिन क्लास रहेगी आपकी जियोग्राफी की 100 क्वेश्चन की और 31 मार्च क्योंकि ये महीना 31 का है तो इस दिन आपकी पॉलिटी की 100 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास रहेगी ये शेड्यूल है आपका टाइमिंग रहेगी सुबेरे की दस बजे देखो पांच दस मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा पर टाइमिंग दस बजे ही पकड़कर चलिएगा सभी का क्लियर है भाई एक बार आपके कमेंट ले लें आज तो बच्चे धुआंधार जुड़ रहे हैं क्या बात है मेरा नाम ले लो एक बार नाम भी सभी का लेंगे आप देखो भाई दूसरी चीज सिर्फ आपका एक मिनट लूंगा उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और बच्चे जुड़ जाने दो तो शेयर नहीं किया है शेयर करिएगा आपको देखो भाई कल से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर जो आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है अभी हम लोगों ने परचेज नहीं की है तो उसका थोड़े दिन और 149 रहने दो तो भाई सिर्फ आपके लिए हमारी ये ये जो टेस्ट सीरीज है ना ये अभी भी आपके लिए 149 की ही अवेलेबल है और जो इसके अंदर पहला पहला टेस्ट टेस्ट है है भाई वो बिल्कुल फ्री में है। बिल्कुल फ्री फ्री में में आप लोग लगा सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा शुभम क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 25 ऑनलाइन टेस्ट आपके आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर करंट अफेयर्स के साथ अब एक छोटी समस्या और क्या है कि सर परचेज होने में थोड़ी सी समस्या हो रही है तो एक बार ध्यान से समझ लो आपको क्या करना है जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे आईडी वगैरह बना लेंगे तो यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड

कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सभी को क्लियर है भाई तो देखिएगा अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है हमारी टेस्ट सीरीज लेने में तो यह मेरा हेल्पलाइन नंबर है और मैं ही आपसे बात करूंगा अगर दिक्कत हो रही है तभी कॉल करिएगा ऐसे नहीं करना है ठीक है जी पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके की भरमार है आंसर करेंगे भाई 1100 बच्चे लाइव है बहुत बढ़िया गुड <coughs> देखो जी भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया था आप लोग आंसर देंगे सर यहां पर 22 जुलाई 1947 क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर आंसर दिया है आंसर मैच करिए मेरे भाई देखो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था ये सभी को पता है कि जो संविधान है वो लागू हुआ था परंतु 24 नवंबर 1950 को क्या हुआ था आप लोग याद रखिएगा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था संविधान बनकर तैयार हुआ था भाई ये आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी सामने स्क्रीन पर पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है एक चीज सुनो देखो जी ये वाद्य यंत्र और वादक वाला अपने आप में पूरा टॉपिक है अब मैं पूरा टॉपिक तो नहीं करा सकता पर याद रखना जितने भी प्रश्न लिए हैं ना आप लोग साथ में टॉपिक भी लिखते जाना आप लोग खुद से इन टॉपिक को भी कवर करेंगे भाई ठीक है ना ये टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके वादक ये आपका कंप्लीट होना चाहिए टॉपिक भी पता लगेगा क्या क्या टॉपिक है पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है भाई अगर आप सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं सितार वादन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी देखो जी पंडित रविशंकर के साथ साथ आपको याद रखना है उस्ताद विलायत खान क्या याद रखेंगे आप लोग उस्ताद विलायत खान ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है जी पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खान इन सभी का संबंध किससे है सितारवादन से है जी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न राधा कृष्णन सरोपल्ली को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न आपके सामने देखो जी ध्यान से ये टॉपिक क्या है पुरस्कार और सम्मान इस टॉपिक का नाम है ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए जितने भी पुरस्कार हैं जी आंसर दीजिएगा स्टैटिक जीके की क्लास है जी बहुत शानदार 1924 आंसर आ रहा है सर की आवाज कोयल की तरह है <coughs> चलो जी आंसर करेंगे देखो जी ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये जो भारत रत्न पुरस्कार है आपसे पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई है मुझे लगता है सभी को पता होगा इसकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी और सबसे पहले ना कृष्ण सरोपल्ली को उन्नीस में ही मिला था सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है राधा कृष्ण सरोपल्ली जी को बट एक चीज याद रखिएगा उन्नीस में टोटल तीन लोगों को यह पुरस्कार बांटा गया है एक तो जी एस राधा कृष्णन सरोपल्ली में शॉर्टकट में लिख रहा हूं आप लोग पूरा लिखिएगा कृष्णन सर्वपल्ली जी को दूसरा कौन है चंद्रशेखर शिविर यानी कि वेंकट रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला है और तीसरा मिला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इन तीनों लोगों को ना उन्नीस में ही मिला था यह ध्यान रखिएगा क्या पता आपसे भाई राधा कृष्ण ना पूछ के बोल दे सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला तो फंसेगा नहीं कोई चीजें क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखो भाई चार नंबर बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है आंसर दीजिएगा ये क्या है टॉपिक पुस्तकें और लेखक ये टॉपिक भी लिखते रहिएगा साथ-साथ कॉपी में पोल लगा दो गुरुजी भाई पोल क्या लगा दें आप ये इससे बढ़िया पोल है क्या कोई आंसर करिए जल्दी से देखिए जल्दी से फटाफट से इग्नाइटेड माइंड्स की बात कर रहा है आपसे ठीक है ना कौन सी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स अगर आपके पास पुस्तक आ जाए ना याद रखिएगा कौन सी विज़न 2020 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि एग्जाम में आजकल आ रही है एक और पुस्तक याद रखिएगा टारगेट थ्री बिलियन कौन सी पुस्तक है टारगेट थ्री बिलियन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखवा रहा हूं याद रखिएगा इग्नाइटेड माइंड्स विजन 2020, टारगेट थ्री बिलियन किन की है आप कहेंगे सर ए अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है ऑप्शन आपका बी करेक्ट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को दिया है इनकी ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जी आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये टॉपिक कौन सा है प्रमुख दिवस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आंसर दीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का भाई बहुत शानदार लिंक भेज दिया है मैंने टेलीग्राम पर मेरे भाई लिंक तो भेज दिया है गया नहीं है क्या लिंक लिंक आ गया टेलीग्राम पे यार लाइव नाउ क्या बात कर रहे हो चलो जी आंसर करेंगे क्या आंसर है 24 सितंबर वाले भी हैं देखो गड़बड़ नहीं करना 24 अक्टूबर बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और चौबीस अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं ये चीजें क्लियर हैं अब सुनो मेरी बात ये सात अप्रैल याद रखिएगा सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब सात अप्रैल को अगला प्रश्न देखिएगा भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान द्वारा किस वर्ष अपनाया गया गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी आंसर करेंगे देखो जी जनगण मन पहली बार कब गाया गया है यह तो मैं आपको बता चुका हूं ठीक है ना आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा पहली बार कब गाया गया, गया सभी को पता है ना कि 27 दिसंबर 1911 को कहां पर गाया गया था भाई आप कहेंगे सर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 सौ ग्यारह को जनगणमन यानी कि राष्ट्रीयगण गाया गया है इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है और यह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आंसर मैच करते जाइएगा जनाब क्लास में तो मजा आने वाला है आगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां स्थित है यहां पे मैं तीन प्रश्न बताऊंगा तीनों कंफ्यूजन है आंसर करिए जी क्वेश्चन नंबर सेवन देखो जी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ठीक है ना यहां पे फॉरेस्ट आ गया है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तीन चीजें हैं एक है आपका ब्लैक फॉरेस्ट ठीक है जी एक है आपका ब्लैक माउंटेन कौन सा आप कहेंगे सर ब्लैक माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन ठीक है जी एक है माउंट ब्लैक माउंट ब्लैक आप देखो फंसना नहीं बिल्कुल भी ठीक है ना ब्लैक फॉरेस्ट पर्व, पर्वत जो है वो जर्मनी में है ब्लैक माउंटेन कहां पर है तो यूएसए में है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में लिखते रहिए गड़बड़ नहीं करेगा एग्जाम में कोई भी और ये जो माउंट ब्लैक है ना याद रखिएगा एक पर्वत है आपने पढ़ा होगा आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक याद रखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए साथ साथ ब्लैक फॉरेस्ट जनवरी ब्लैक माउंटेन यूएसए और माउंट ब्लैक जो है आलपस पर्वत श्रृंखला और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है गड़बड़ नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है लीजिए भाई आंसर करिए अब मैं आसान आसान पूछ लूंगा डब्ल्यू एच ओ डब्लू टी ओ तो आप सभी बता देंगे है ना जी देखो जी याद रखिएगा डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू एच ओ आई एल ओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा डब्ल्यू एम ओ यानी कि वर्ल्ड मिटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मोशन विज्ञान संगठन इन सभी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ऑप्शन आपका डी करेक्ट है इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी ये याद रख लीजिएगा बोनस पॉइंट है क्वेश्चन नंबर नौ देखिएगा हम्पी के स्मारक समूह भारत के किस राज्य में स्थित है <coughs> आपकी क्लास देखते देखते 26 मार्च को मेरा सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट में कोई बात नहीं भाई उसको फुल लिस्ट में लेकर जाइए ठीक है नाम लेने का समय नहीं है क्लास बहुत लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर दीजिएगा हम्पी के स्मारक समूह भारत के किस राज्य में है क्या आंसर करेंगे मेरे भाई आप लोग देखो जी हम्पी के स्मारक समूह जो है ये कर्नाटक में है ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में चीजें क्लियर हैं अब मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दूं क्या और चलो आगे बताएंगे यहां पर इतना सही है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिएगा शब्द पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है अब इस प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लेना सिंपल सिंपल सब ने पढ़े होंगे ये जो प्रश्न है ना आपका ये एस एस सी जी डी और 2023 में आया है इसके अलावा इस प्रश्न को आप सीआईएस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल दो में देखेंगे ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था भाई दो के एग्जाम में ठीक है ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एस इस की विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न स्टेट एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध जो है वो हॉकी से है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा मैच करिएगा भाई नंबर, ये है, ठीक है ना? इसके बारे में ना मेरे को लग रहा है जो मेरी पुराने बच्चे है ना जो एस जीडी से और दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं वो तो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे धुएं की तरह आर्मी वाले बच्चे नहीं उड़ा पाएंगे मुझे पता है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का और यह मैंने सबसे आसान प्रश्न लिया है टॉपिक का नाम क्या है यूनेस्को के धरोहर स्थल लिख लीजिएगा यूनेस्को के धरोहर स्थल यह है इस टॉपिक का नाम और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई अजंता और एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया यह इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताऊंगा पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए जी अरे आंसर सही आ रहा है क्या बात है भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर सही आ रहा है मुझे तो लग रहा था कि आंसर नहीं दे पाओगे सही सही क्या बात है पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है क्या आप सभी ने अच्छा आप ध्यान से सुनो भाई देखो <coughs> यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ना सबसे पहली जो लिस्ट अपडेट हुई थी वो हुई थी उन्नीस में उन्नीस सौ में सबसे पहले चार चीजों को शामिल किया गया था कौन कौन सी एक तो है जी अजंता की गुफाएं एक याद रखिएगा अलोरा की गुफाएं ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन याद करोगे कि क्या क्लास लगाई थी अजंता की गुफाएं अलोरा की गुफाएं इसके अलावा आप लोग ताजमहल को याद रखिएगा और याद रखिएगा आगरा का किला क्या याद रखेंगे जी आगरा का किला ठीक है ना इन चार चीजों को उन्नीस में सबसे पहले यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था जी उन्नीस सौ मैंने बाद के लिए रोका था याद रखिएगा हम्पी के समूह जो भी पीछे हम्पी वाला क्वेश्चन आया था ना ये इसके अलावा खुजराहो मंदिर सभी को पता है ना कहां पर है मध्य प्रदेश में है तो खुजराहो का जो समूह है ये भी कब उन्नीस में शामिल किया गया यूनेस्को में जी ठीक है ना ये चीजें याद रखिएगा इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है फतेहपुर सिकरी के बारे में मुझे लगता है सभी को पता होगा फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की है ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है उन्नीस में शामिल किया गया था जी दो का बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ लाल किला लाल किला 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया याद रहेंगी चीजें उन्नीस भी इंपॉर्टेंट है भाई सूर्य मंदिर है और महाबलीपुरम का स्मारक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बारह नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दो प्रश्न पूछूंगा इसका आंसर करिएगा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है बारह नंबर का आंसर दीजिएगा भाई गुड बहुत बढ़िया उन्नीस सौ तिरासी ने भारत में पहला वर्ल्ड कप जीता था आगे प्रश्न है मेरे भाई वो टेंशन क्यों ले रहे हो स्पोर्ट्स से भी प्रश्न है देखो जी नेशनल पार्क स्पोर्ट्स राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि आपका जीके किसी भी टॉपिक पे हाथ रख दो आज वो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा उस टॉपिक से आज ठीक है ना अब देखो शक संवत को पहली बार मुझे इसका आंसर करो भाई आप लोग पहले शक संवत को पहली बार राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया इसका आंसर करो भाई मुझे कुछ नहीं पता है ना के रूप में अपनाया गया कब अपनाया गया भाई इसका आंसर कौन करेगा जल्दी से करेंगे शक संवत की जो स्थापना है वो हुई थी अठहत्तर ईस्वी में किसने की थी आप कहोगे सर जी कनिष्क ने की थी भाई कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने शक की स्थापना की थी ये चीजें क्लियर हैं शक संवत का चैत्र जो है यह होता है पहला महीना पहला और आखिरी याद रखिएगा बस पहला महीना होता है शक संवत का चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन तो हम ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं जिसने ऑप्शन सी को आंसर किया है चीजें क्लियर हैं अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनो पहली बार कब अपनाया गया आप लोग याद रखेंगे सर 22 मार्च उन्नीस को अपनाया गया था क्या सभी को याद है यह चीज ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए भी और वैसे भी याद रखिएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर तेरा नंबर देखो जी प्रश्न थोड़ा सा हटके होगा पर बढ़िया प्रश्न है भारतीय रुपए का चिन्ह अब पहले रुपए का चिन्ह कैसे लिखते थे ऐसे लिखते थे है ना अब रुपए कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं तो जो भारतीय रुपए का चिन्ह है यह रुपया है इसको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आंसर करिएगा ट्रेड्समैन हो क्लर्क हो जीडी हो छोड़ना नहीं है क्लास अटेंड करिएगा ठीक है ना भरोसा रखिएगा देखो जी 2010 में अपनाया गया था और इस रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था भाई तो याद रखिएगा उदय कुमार ने किसने तैयार किया था उदय कुमार ने तैयार किया था चौदह नंबर स्क्रीन पर बढ़िया प्रश्न स्टैटिक जीके का चालुक्य शासक भीम प्रथम के शासन काल में बनवाया गया मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है मैंने आपके दो प्रश्न कवर कर दिए एक हिस्ट्री का भी और एक स्टैटिक जीके का भी स्टैटिक जीके का प्रश्न है मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है बता पाओगे इसका निर्माण किसने किया था तो चालुक्य वंश के शासक ने शासक का नाम क्या था भीम प्रथम ये लिखिएगा नोटबुक में जरूर बढ़िया प्रश्न है साहब मोडेरा का सूर्य मंदिर आप कहोगे सर गुजरात में है ऑप्शन डी क्या सभी आंसर दे रहे हैं मैच करिए पंद्रह नंबर देखिए भाई भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है हां जी मैंने सभी के वैज्ञानिक नाम डाले हैं वैज्ञानिक नाम डाले हैं भाई ऐसे प्रश्न बन सकता है तो कहां जाओगे अगर वैज्ञानिक नाम नहीं पता है तो पंद्रह नंबर बहुत बढ़िया उदय कुमार राज गुड मॉर्निंग मेरे भाई एक गलत कर रहे हो आप लोग काम आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर भी डालिए कमेंट बॉक्स में ठीक है ना और फिर आंसर दीजिए जी शानदार सॉरी सर लेट हो गया कोई बात नहीं भाई अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अभी तो पूरा आसमान बाकी है पंद्रह ही क्वेश्चन पर पहुंचे हैं पंद्रह बाद में देख लीजिएगा आगे चलते हैं ठीक है ना भारत का राष्ट्रीय पशु अब मैं आपको एक चीज बताऊं देखो ध्यान से एक फैक्ट उन्नीस से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था ना भारत का राष्ट्रीय पशु वो कौन था तो उन्नीस से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर ये आप लोग एक फैक्ट है याद रखिएगा उन्नीस के बाद से क्या बनाया गया किसे बनाया गया भारत का राष्ट्रीय पशु आप कहोगे सर अब तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ है और बाघ का क्या है वैज्ञानिक नाम आप कहोगे सर पैंथेरा टिग्रिस है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है मोर का और ये भारत का नेशनल बर्ड है राष्ट्रीय पक्षी है जी पैंथरा लियो किसका है तो पैंथरा लियो शेर का है जी बॉस इंडिगस किसका है तो बॉस इंडिगस गाय का वैज्ञानिक नाम है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो हम बढ़ते हैं सोलह नंबर पे बढ़िया प्रश्न आ गया गुरु एक और स्टेटिक जीके का टी एन कृष्णन एक भारतीय वादक है आंसर देंगे जी सोलह नंबर बहुत बढ़िया नहीं पता बाघ है शायद अरे बाघ तो है मैंने वैज्ञानिक नाम डाले हैं सर आपको याद कैसे रहता है मेरे भाई प्रैक्टिस रिवीजन और लड़कियों का चक्कर नहीं है ठीक है फोकस जिस दिन कुछ बन जाओगे उस दिन लाइन लग जाएगी ठीक है और सक्सेस नहीं होगे तो कोई पूछता नहीं है भाई अपने घर वाले नहीं पूछेंगे आपको जवाब आप सक्सेस नहीं हो जाओगे ठीक है ना तो बाकी तो दूर की बात है हाँ ये आबाड़ कबाड़ जो फ्रेंड्स हैं नसेड़ी फसेड़ी वो पूछ लेंगे आपको भाई आज चल रहा है क्या बाकी और कुछ नहीं टी एन कृष्णन अब टी एन कृष्णन के साथ ना एक याद रखिएगा टी एन कृष्णन के साथ साथ एन राजम इनको मत भूलना भाई ठीक है ना इसके अलावा देखो जी एल हिंदी में लिख रहा हूं प्लीज माफी चाहूंगा है ना एल सुब्रमण्यम एल सुब्रमण्यम क्लियर है टी एन कृष्णन एन राजम एल सुब्रमण्यम इन सभी का संबंध वायलिन वादक से है जी याद रखेंगे क्या सभी वायलिन वादक से हैं सभी का क्लियर है ये तबला वादक तो मैंने आपको बताया है ना उस्ताद अल्लाह रखा जाकिर हुसैन किशन महाराज गुदाई महाराज सब तबला वादक है अगला प्रश्न देखो सत्रह महाराष्ट्र में स्थित जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है देखो जी वैसे तो ये टॉपिक जो है ना नदी वाला बांध झीले झरने ये जियोग्राफी का भी टॉपिक है तो मैं जियोग्राफी की क्लास में भी जब करवाऊंगा तो उसमें भी प्रश्न लूंगा पर अभी क्या है स्टैटिक जीके का भी पार्ट है तो मैं स्टैटिक जीके में भी कंसीडर कर रहा हूं कुछ प्रश्न ठीक है आंसर करेंगे सर देखो जी जायकवाड़ी परियोजना कहां पर है आप कहोगे सर महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर है ऑप्शन सी का सभी आंसर दे रहे हैं जी दे रहे हैं तो आगे बढ़िएगा अठारह वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया लो जी अठारह नंबर का आंसर देंगे बेसिक और स्टेटिक प्रश्न है सर एड आ रहा है मेरे भाई जीवन में छोटी छोटी रुकावटें आती रहेंगी एड को आप स्किप कर दीजिए आपके सर की थोड़ी सी कमाई हो जाएगी <laughs> भाई साहब चौदह सो लाइव है और लाइक सिर्फ सात सौ ये तो नाइन साफ ही हो गया ठीक है ना सर मैं लड़की से बात करता हूं और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है मेरी बात करना गलत नहीं है ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप दोनों चीजों को मेंटेन कर रहे हो एक्सेप्शन है हर किसी के बस की बात नहीं है वंदे मातरम पहली बार अधिवेशन में अठारह सौ अधिवेशन में गाया गया, आप कहोगे सर, 1896 में गाया गया था यह चीज क्लियर है दूसरी चीज याद रखिएगा वंदे मातरम क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत है ठीक है जी इसकी रचना किसने की है मुझे लगता है सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसने की है जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है हैंड पे मत जाइएगा स्कूल में में बहुत हैंड के चक्कर ठीक है फिर भी सुधार नहीं हुआ रचना देखो बंकिम चंद चटर्जी कहां से लिया गया है तो ये आनंद मठ से लिया गया है भाई राष्ट्रीय अध्याय से लिया गया है अगला प्रश्न आपके सामने उन्नीस नंबर आंसर दीजिए विश्व हिमोफीलिया दिवस किस स्थिति को मनाते हैं सुनो मैं बिल्कुल आसान आसन करवा दूंगा लल्लू पंजू प्रश्न तो आप सभी बढ़िया टेस्ट लगाओगे भाई सौ में से नब्बे अरे जो आते हैं उनको पढ़कर क्या करोगे जो आते हैं और जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ना जरूरी है ये आंसर दीजिएगा विश्व हिमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाते हैं जी 17 अप्रैल 25 अप्रैल 4 फरवरी 18 अप्रैल बहुत ही जानदार शानदार इंपॉर्टेंट बफरिंग बता रहा है महेश चौहान क्या सच में बफरिंग है भाई गुड मॉर्निंग <laughs> ऑल टाइम ग्रेट एस राजपूत कह रहे हैं कि हवा क्या बदली लोग अभी से रंग दिखाना शुरू हो गए यह कल के पंछी बाज को उड़ाना सिखा रहे हैं अच्छा जी क्या बात होगी भाई देखो विश्व हिमोफीलिया दिवस मैच करिएगा सत्रह अप्रैल को मनाया जाता है यह इंपॉर्टेंट है यह पच्चीस अप्रैल क्या है भाई आप कहोगे सर विश्व मलेरिया दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताकर जा रहा हूं भाई आपको विश्व मलेरिया दिवस याद रखेंगे चार फरवरी क्या है यह भी बीमारी से संबंधित है विश्व कैंसर दिवस विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है चार फरवरी को अठारह अप्रैल ध्यान रखिएगा विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं तो आप कहोगे सर अठारह अप्रैल को मनाया जाता है और नंबर देखिएगा जी निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है लो जी कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है जी जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या आंसर करेंगे आप लोग शानदार सर आपकी हाइट कितनी है पांच फुट ग्यारह इंच वजन मत पूछना भाई वरना हंसी आ जाएगी आपको हाइट ठीक है वजन मत पूछ लेना देखो कुंभ मेला जो है वो चार जगह लगता है प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और साथ में एक जगह है जिसका नाम है नासिक टोटल चार जगह कुंभ मेला लगता है वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है कुंभ मेला जो है ये बारह वर्षों के पश्चात लगता है ये भी आप लोग को पता ही होगा ठीक है अगला प्रश्न देखो मेरे भाई किस शास्त्रीय नर्तकी का संबंध भरतनाट्यम से नहीं है आंसर करेंगे एक प्रश्न आपको बोनस बता के जा रहा हूं ठीक है ना अभी तक तो आर्मी में आया नहीं है पर लेटेस्ट दिल्ली पुलिस में आया है और लेटेस्ट एस एस में आ चुका है ठीक है ना प्रश्न याद रखिएगा अगर आपको बोल दे कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है ये अगर बोल देना प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है भाई मुझे लग रहा है अंदर से फीलिंग आ रही है कि एग्जाम में आएगा इसका पुराना नाम था सदीर अट्टम क्या याद रखोगे सदीर अट्टम भरतनाट्यम कहां का नृत्य है आप तमिलनाडु आंसर देंगे चीजें क्लियर हैं अब देखो जी यहां पर जो मैंने ऑप्शन लिया है ना ये एस एस सी जी डी एस एस सी सी एस एस सी एम टी एस सभी एग्जाम में आया है ये वाला प्रश्न तो आपको याद होना चाहिए देखो ये जो झावेरी बहने हैं ना ये इंपॉर्टेंट है ये मणिपुरी नृत्य करती हैं कौन सा नृत्य करती हैं मणिपुरी नृत्य करती हैं पूछेगा झावेरी बहने कौन सा नृत्य करती हैं मणिपुरी नृत्य करती है ध्यान रखिएगा इनके गुरु एक इनके गुरु भी हैं इनके गुरु का नाम है गुरु विपिन सिंह क्या नाम है इनके गुरु का गुरु विपिन सिंह ये भी कौन सा नृत्य करते हैं ये भी मणिपुरी नृत्य करते हैं जी ठीक है जी तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा झावेरी बहने मणिपुरी नृत्य करती हैं आप गूगल पे लिख कर देख लो झावेरी बहने कौन सा नृत्य करती हैं आपको पता लग जाएगा कितने एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ऐसे नहीं करवाते हैं भाई यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ ना कुचिपुड़ी भी करती है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती है याद रखिएगा ठीक है स्क्रीनशॉट तो नहीं मारना किसी को बाईस नंबर देखो भाई सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है लो भाई स्पोर्ट्स से एक और प्रश्न तड़कता भड़कता आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे जी सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2013 में मिला था उससे इंपॉर्टेंट याद रखो पदमा सुब्रमण्यम को मिला है पद्म विभूषण अभी 2023 में पदमा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम करती है ठीक है ना वो याद रखिएगा गुड मुझे कलर विजन है और मैं रोज आर्मी क्लास ले रहा भाई दो दो बार पेपर क्वालिफाई करा है दो दो बार सिलेक्शन था नहीं हुआ ना कलर विजन में रेलवे लोको पायलट टीयर वन टीयर टू निकाल के उसमें बाहर हो गए साइको टेस्ट और इसमें कलर विजन में बाहर है ठीक है ना एसएससी जीडीबी सी क्वालिफाई किया था 2019 वाला जब कलर विजन पता लग गया तो फिर फिजिकल देने ही नहीं गए ठीक है जी लैब अटेंडेंट में सिलेक्शन हुआ था हरियाणा में लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर पंद्रह दिन नौकरी करके छोड़ दी मजा नहीं आया उसमें ठीक है तो सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है बताएंगे फटाफट से देखो ध्यान से आपको ना सारे कप मैंने आपको बता दिए हैं आपको मैंने बताया था रहमतुल्ला कप याद रखना भाई ठीक है नहीं तो पिटोगे रहमत कप आप याद रखेंगे सर अमृत दीवान कप भी तो बताया था आपने अमृत दीवान कप बताया था आपने जी आपने सर बताया था जी चड्डा कप कौन सा कप चड्डा कप आपने सर नारंग कप भी बताया था उस क्लास में नारंग कप रहमतुल्ला कप अमृत दीवान कप चड्डा कप नारंग कप आप उबेर कप को मत भूलिएगा कौन सा है जी उबेर कप इन सभी का संबंध जो है ना वो बैडमिंटन से है तो सुधीर मन कप रहमतुल्ला कप अमृत दीवार नारंग कप चड्डा कप उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है याद रखेंगे मेरे भाई सिर्फ क्लास अगर आप देख भर लोगे ना देखने भर से ही आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा अगला प्रश्न देखिएगा तेईस नंबर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था लोजी ये आपके मतलब का प्रश्न आ गया चलेंगे बहुत ही बढ़िया शानदार गुड दीजिए हो गए हैं एक हजार शानदार भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था भाई अप्सरा आंसर दिया है क्या सभी ने अप्सरा था याद रखिएगा चौबीस नंबर देखो अब यह प्रश्न देखो आलपस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है मैंने आपको यह प्रश्न करवा दिया है जो शुरू से देख रहे हैं मैंने आपको क्या बताया था भाई ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ब्लैक माउंटेन अमेरिका और मैंने आपको बताया था माउंट ब्लैक बताया था ना मैंने क्या बताया था आपको याद रखो मैंने आपको माउंट ब्लैक के बारे में बताया है ब्लैक में ब छोटा आएगा कोई बात नहीं मैंने आपको बताया था कि माउंट ब्लैक जो है यह सबसे ऊंची चोटी है किसकी आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है वो है माउंट ब्लैक कहां पर है यूरोप में है ऑप्शन ए करेक्ट है तो अल्पस पर्वत श्रृंखला और यूरोप दोनों की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जी। अगला प्रश्न देख लो इसी बात पर। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है जी इसका नाम ना एक और मैंने आज ही पढ़ा है मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन मैंने पढ़ा है यार आज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं भाई ये तो मैंने आज ही पढ़ा है <laughs> आंसर देंगे 25 नंबर कि ये आग जलती है तो जलने दे अच्छा जी ये पढ़ लिया है मैंने सर हाइट कैसे बढ़ाएं नहीं आइडिया भाई चलो जी आंसर देंगे लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है आप कहोगे सर भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन आप कहोगे सर भूटान को ये फिनलैंड आ गया भाई फिनलैंड को क्या बोलते हैं हजार झीलों की भूमि 1000 लैंड ऑफ द थाउजेंट लेक्स बोलते हैं हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं आप कहोगे साफ फिनलैंड को कहते हैं ये थाईलैंड भी मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ा ही होगा क्या बोलते हैं सफेद हाथियों का देश क्या बोलते हैं जी आप कहोगे सर सफेद हाथियों का देश कहा जाता है ठीक है ना आप देखो ये सफेद हाथियों का देश है मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूं अगर आपसे आ जाए हजार हाथियों की भूमि जल्दी से आंसर मारो कमेंट बॉक्स में हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो पाकिस्तान ये चिरकुट पाकिस्तान जो है ना इसको क्या बोलते हैं नहरों का देश नहरों का देश कहा जाता है ध्यान रखिएगा भाई ठीक है जी अगला प्रश्न देखेंगे 26 राज्यों की प्रमुख चित्रकला में से कौन सा सम्मिलित नहीं है अब आंसर करो भाई अब आएगा मजा इसमें से दो प्रश्न तो आपके आर्मी में आ चुके हैं पहले भी 26 नंबर सर मैं देवरिया से हूं पीयूष तिवारी मेरे भाई हम भी यूपी देवरिया से ही हैं बट अब हरियाणा में रहते हैं गुड आठ बजे वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है अंजलि पांडे अभी थोड़ा वेट करिए आर्मी का एग्जाम निकल जाए फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है राज्यों की प्रमुख चित्रकला में से कौन सा सम्मिलित नहीं है जी क्या आंसर करोगे आप लोग देखो ये मधुबनी चित्रकला बिहार ये आपके एग्जाम में आ चुका है ये पट चित्रकला उड़ीसा ये एस एससी जी डी का प्रश्न है ये आपके आर्मी में तो नहीं आया है में आया है ये बारले चित्रकला जो है ये आपके आर्मी में आ चुका है परंतु ये जो कलमकारी चित्रकला है ना ये सही सुमेलित नहीं है कलमकारी चित्रकला आप कहोगे साहब ये आंध्र प्रदेश की है कहाँ की है आंध्र प्रदेश की है छत्तीसगढ़ की नहीं है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने ऑप्शन डी को दिया है चार प्रश्न कवर किए हैं एक प्रश्न से याद रखिएगा सत्ताईस नंबर देखो बागुरुम्बा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है यह अभी बताया है कुछ दिन पहले ठीक है जो कंटेंट यहां पे मिल रहा है ना घूम लो यूट्यूब पर चक्कर लगाते रहो अगर ऐसा मिल जाए बागुरुम्बा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है एक चीज सुनो मेरी बात मैंने आपको तीन चार नृत्य बताया था क्या मैंने आपको बिहू नृत्य के बारे में नहीं बताया था क्या मैंने आपको हां जी सत्रिया नृत्य के बारे में नहीं बताया था क्या एक दिन सत्रिया नृत्य बताया था भाई ठीक है जी उसी टाइम मैंने बागु रुम्बा भी बताया था ये असम का नृत्य है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका याद रखिएगा ठीक है आगे देखो जी एक बार ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है ये कम से कम पचास बार पूछा गया प्रश्न है विभिन्न एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है प्रश्न आंसर करेंगे पंद्रह सो लाइव रवि सुजल कह रहे हैं कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हसीन सनम नहीं होता हीरो में सिमटकर सोने में लिपटकर मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता बहुत ही शानदार भाई क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर करो इसी बात पर देखो जी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम याद रखिएगा अब ये वैज्ञानिक तो है नहीं ठीक है ना जी कौन है स्टीफन हॉकिंग है ऑप्शन आप लोग सी को आंसर देंगे याद रखिएगा अब मैं थोड़ा सा पांच मिनट का समय लूं क्योंकि बढ़िया प्रश्न है जी नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको क्या बताया था आपको याद रखना है जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है तो ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम है उनकी बायोग्राफी है ब्राक ओबामा की ना दो तीन है देखो जी आराम से लिखना ए प्रोमिस्ड लैंड ठीक है जी इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है Yes, फ्रॉम माई फादर वो मैंने आपको पहले करवा रखा है शशि थरूर की तो बहुत सारी है पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इन ग्लोरियस एम्पायर एंड एरा ऑफ डार्कनेस वाई आई एम ए हिंदू अंबेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर की है आगे चलो देखो जी ये बढ़िया प्रश्न है डैश को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महान लोबिस के जन्म दिवस पर मनाते हैं मैंने दो प्रश्न कवर किए हैं यहां से दो प्रश्न ठीक है ना सीधा पूछता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है या आपसे पूछ लेगा किन के जन्म दिवस पर मनाते हैं तो पीसी महान लोबिस प्रशांत चंद्र महान लोबिस के जन्म दिवस पर मनाते हैं अब कब मनाते हैं आंसर देंगे क्या आप लोग या मैं दे दू देखो यह मनाया जाता है जी उनतीस जून को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 28 जुलाई को भूलिएगा नहीं विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस दिवस हिंदी में लिख रहा हूं भाई राइटिंग क्या मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी पहले ही बात 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस इंपॉर्टेंट है सद्भावना को इंग्लिश में मेरे ख्याल से गुडविल कहते हैं ना नेशनल गुडविल डे ठीक है जी 29 जुलाई को क्या मनाते हैं आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं अच्छे से याद होने चाहिए भाई दिवस वाला टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना अगला प्रश्न देखो भारत ने दूसरी बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था ये एक मेरे भाई का कमेंट आया था उन्नीस सौ तिरासी वाला अभी बताऊंगा सर जी एक बात बोलूं दो बोलो भाई इंग्लिश में लिखो सर आपसे मुझे कुछ बात करनी है कोई बात नहीं पीएच मान वाले क्वेश्चन तो भाई साइंस की क्लास में कल कल साइंस की क्लास है भारत ने दूसरी बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता था तो आपको उन्नीस तो तिरासी का ना तिरासी में भारत ने पहली बार जीता था पहली बार जीता था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप ठीक है जी अब यहां से क्या पूछता है कि कप्तान कौन थे इनके इस कप्तान कौन थे तो इनके बारे में सभी को पता है जी कौन थे जी कपिल देव जी थे ठीक है ना अब सुनो ये 2007 में ना क्या हुआ था पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ था पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कब हुआ था 2007 में अब इसको भी किसने जीता था तो इसको भी भारत ने जीता है जी याद है और इसके कप्तान कौन थे जी कैप्टन कूल एम एस धोनी साहब महेंद्र सिंह धोनी ठीक है जी भारत ने दूसरी बार कब जीता था तो 2011 में जीता था इस समय कप्तान कौन थे तो कैप्टन कूल अपने कौन थे जी महेंद्र सिंह धोनी थे याद रखिएगा एमएसडी चीजें क्लियर हैं सभी की चीजें क्लियर होनी ही चाहिए भाई अगला प्रश्न बत्तीस थोड़ी थर्टी वन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है यह दर्रे वाला प्रश्न आ गया जी इकतीस नंबर अठारह से इक्कीस की उम्र में प्यार मोहब्बत एक धोखा है आर्मी की तैयारी कर ले मेरे भाई शेर बनने का यही एक मौका है रमेश प्रजापति कहां से लिख कर लाते हो भाई ये सब ये एसएससी जीडी में आपकी बार पूछा था बिल्कुल पूछा होगा कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है आंसर देंगे क्या देखो नीति दर्रा माना दर्रा लिपुलेख दर्रा कहां पर है उत्तराखंड में है ये जो रोहतांग दर्रा है ना रोहतांग दर्रा कहां पर है जी सर हिमाचल प्रदेश में है कौन सा दर्रा रोहतांग दर्रा शिपकिला दर्रा भूलेगा तो नहीं कोई शिपकिला दर्रा इसके अलावा एक और याद रखिएगा बड़ा लाजा दर्रा बड़ा लाजा दर्रा कहां पर है यह हिमाचल प्रदेश के है बाकी सारे उत्तराखंड में है आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है राजस्थान से संबंधित नहीं है ये प्रश्न न मैं जान के बनाता हूं कि संबंधित नहीं है जैसे मैंने पिछला बनाया था कि कौन सा दरा उत्तराखंड में स्थित नहीं है क्योंकि इससे चार प्रश्न कवर हो जाते हैं आपके ठीक है ना अब मैं सीधा लिख दू कि तेरा ताली कहाँ का नृत्य है तो आप तो बता दोगे एक ही प्रश्न कवर हुआ ना मैं चाह रहा हूं कि कम समय में बेनिफिट ज्यादा हो देखो जी तेरा ताली सुईसनी कालबेलिया ये राजस्थान के हैं ये चरकुला जो नृत्य है ना चरकुला कहाँ का है आप कहोगे साफ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है चीजें क्लियर हैं अब ना मेरे को यहाँ पर आपको कुछ और चीज बतानी थी देखो एक डाउट क्लियर कर रहा हूं तो कहा का है सर राजस्थान का है बता दोगे अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए ना कि घमूरा नृत्य सुन लो ध्यान से घमूरा नृत्य ठीक है घुमुरा नृत्य तो आप लोग ओडिशा आंसर देंगे ठीक है जी ये कुछ अलग सा प्रश्न लगा तो मैंने आपको अलग से करवा दिया है आगे चले क्या तेतीस नंबर राधा रेड्डी स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार ये टॉपिक है गुड सर जी आपका फ्रेंड कल मुझे मिला था अच्छा जी कौन सा फ्रेंड मिला जी स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करो ठीक है मेरे भाई है ना गलती हो गई स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे देखो जी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा आप टेंशन मत लेना मेरे होते हुए, ठीक है ना पिछली पुरानी पीडीएफ चार दिन की रुकी हुई है मैं आज सारी डाल दूंगा ठीक है ना राधा रेड्डी तथा स्वपन सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है कुचिपुड़ी ध्यान रखिएगा जी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है गड़बड़ कोई नहीं करेगा अगला प्रश्न देखो जी चौतीस द लास्ट शपर पेंटिंग के चित्रकार कौन थे अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बहुत गलत फेहमी में हैं अगर मैं आपसे पूछ लू ना अभी अभी कि भाई मुझे यह बता दो कि मोनालिसा के चित्रकार कौन है आप लोगों का फटाक से से आंसर आ जाएगा मोनालिसा पेंटिंग सबसे महंगी पेंटिंग्स में एक इसके चित्रकार कौन है नहीं बता पाओगे बहुत आसानी से बता दोगे आप लोग कौन है आप कहोगे सर लियोनार्डो दी हैं तो याद रखना द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों के चित्रकार कौन है लियोनार्डो हैं अब ये है कहाँ के ये बोनस में दे रहा हूं आपको इटली के हैं ये ध्यान रखिएगा अभनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग की रचना की है पूछेगा कि भारत माता जो पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन है तो अभिनिंद्रनाथ टैगोर है पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार हैं तो पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार हैं यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा स्क्रीन लेना है ले लो मैं बढ़ रहा हूं पैंतीस पर भारत का कौन सा तीसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है लो जी भारत रत्न पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण दूसरा पद्म भूषण तीसरा और पद्म श्री चौथा ठीक है याद हो गया तीसरा पूछा है तो पद्म भूषण को आंसर दे दीजिएगा चीजें क्लियर हैं तो बोलिए हाँ जी और बढ़ते हैं छत्तीस पर शहर इटावा किस नदी के तट पर बसा है देखो मैं फिर से बता रहा हूं ये टॉपिक आपका जियोग्राफी का है पर स्ट्रेटिक्स जीके का भी है तो मैंने जीके में कंसीडर किया है कोई दिक्कत छत्तीस नंबर आंसर दीजिएगा देखें क्या गुल खिला रहे हो सर बफरिंग हो रही है बफरिंग तो अभी तक तो नहीं हो रही है भाई बफरिंग सच में हो रही है क्या रोहित नौटियाल नेम ले लो सर जी पहली बार जुड़ा हूं बफरिंग नहीं है भाई अभी तक तो ओके चल रहा है अब आंसर दो आप लोग ना एक गलत काम कर रहे हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हो भाई डालो ना नंबर इटावा शहर मैंने आपको तीन चार बताए थे एक शहर याद रखिएगा आगरा ठीक है जी आगरा एक शहर याद रखिएगा दिल्ली कौन सा दिल्ली एक शहर याद रखिएगा मथुरा आगरा दिल्ली मथुरा इटावा ये सभी शहर यमुना नदी के तट पर बसे हैं ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी मेरे भाई ये गोमती शहर गोमती नदी के तट पर कौन सा है आप कहोगे सर लखनऊ है आप कहोगे सर जौनपुर है लखनऊ और जौनपुर ज्यादा आता है एग्जाम में ठीक है ना शिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है उज्जैन है नेक्स्ट देखो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है देखो जी प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय इस टॉपिक का नाम है आपको स्थापना भी पता होनी चाहिए कब हुई थी ठीक है ना वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन ठीक है अगर मैं बोल दू ना इसकी स्थापना कब हुई है या एग्जाम में आ जाए आ सकता है बढ़िया प्रश्न है आप लोग कहेंगे सर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स कहां पर है आप कहोगे सर ब्रुसेल्स जो है वो तो बेल्जियम की कैपिटल है चीजें क्लियर है अगला प्रश्न देखो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है प्रमुख भारतीय शहरों के उपनाम आंसर सभी का चाहिए भाई अड़तीस नंबर देखें क्या चल रहा है बफरिंग नहीं है मेरे भाई देखो अपना एक बार बैक करके चालू कर लो बफरिंग नहीं है सर्जिकल राजेंद्र मिला था कौन राजेंद्र भाई जबरदस्ती <laughs> चलो भारत का पेरिस दो प्रश्न देखो सारा प्रश्न देखिएगा ध्यान से भारत का पेरिस प्लस गुलाबी नगरी पिंक सिटी गुलाबी नगरी मतलब पिंक सिटी किसको कहते हैं जयपुर को आंसर दे दोगे बड़े प्यार से ठीक है ना अब ये जोधपुर पे आ जाओ देखो जी जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी क्या बोलते हैं ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं सन सिटी क्या बोलते हैं सन सिटी ठीक है जी पुणे को क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन क्वीन ऑफ डेक्कन कैसे लिखते हैं यार इंग्लिश में ठीक है दक्कन डक्कन लिख रहा हूं मैं हिंदी में क्वीन ऑफ डेक्कन ठीक है अब ये कोचीन जो है ना इसे अरब सागर की रानी कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी ठीक है ना मैं हिंदी में लिख दूंगा अरब सागर की रानी अरब सागर की रानी कहते हैं किसे कोचीन को नेक्स्ट देखो जी उनतालीस भारत कौन से राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है <क्षँग> गद्दी जनजाति ये जनजाति वाला टॉपिक है बहुत कम प्रश्न बनते हैं ठीक है ना मेरे ख्याल से एक टोडा वाला प्रश्न जो है वो आपके आर्मी में आया है अभी तक तो इसके अलावा नहीं आया एक गुज्जर जनजाति वाला आया था जम्मू कश्मीर वाला जब तक आपका एग्जाम हुआ है, तब से से तो मुझे याद है है इसके बाद जनजाति वाला और प्रश्न नहीं बना है। ये गद्दी याद रखिएगा ये गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है ये नीलगिरी ये टोडा जनजाति तमिलनाडु में होती है और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में ठीक है ना कभी कभी तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं आएगा तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति निवास करती है यह प्रश्न आपके आर्मी में आ चुका है अगला प्रश्न देखेंगे चालीस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है यहां पर आपके ना बहुत सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा चालीस नंबर पे आ गए हैं आंसर करिएगा जी देखें क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में सर मेरा यह सवाल है कि अच्छा जी अरे ऑनलाइन कैसे रिकॉर्ड निकाले लाइक like करो भाई रुके हुए हैं लाइक like. भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आंसर क्या करना है आपको सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा जी चीजें क्लियर हैं आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां है बढ़िया सा प्रश्न है छोटा सा प्रश्न है वेयर इज द नेशनल ओशियनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड भाई इंग्लिश इसीलिए नहीं पढ़ता मैं इंग्लिश के तो शब्द ही मुंह में फंस जाते हैं आधे तो पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है बताओ जी राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान आप कहेंगे सर गोवा ऑप्शन आपको बी आंसर देना है जिसमें डिटेल की जरूरत है उसमें डिटेल जिसमें नहीं है डायरेक्ट ये प्रश्न ना मैं आपको आज बोल रहा हूं चाहे मेरी बात का स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्डिंग कर लो ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी शिफ्ट में गिरेगा नृत्य उत्सव उत कहाँ मनाया जाता है मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश टेस्ट की लैंग्वेज हिंदी हो रही है नहीं भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट है ऐसे नहीं करना सर कल मैं आपकी वाइफ से मिली थी अच्छा जी अरे ऐसा मजाक मत करो ठीक है <laughs> मेघालय ऑप्शन सी आंसर दीजिएगा ये स्पेशली याद रखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है देखो मैंने फिर से प्रश्न डाला है नहीं है क्योंकि चार प्रश्न कवर करने हैं साहब ठीक है ना कितने प्रश्न चार प्रश्न कवर होंगे एक तो तीन ऑप्शन रोवर्स कप मरडेका कप सुब्रतो कप कोपा कप ठीक है जी इसके अलावा संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है सारी परंतु ये जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है देखो जी ये गोल्ड कप से मुझे तीन चीजें याद आती हैं। एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप आप कहोगे सर, एक तो सिंधिया गोल्ड कप भी हमने पढ़ा है कौन सा कप, सिंधिया गोल्ड कप ठीक है जी? एक लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है जी कौन सा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आप देखो जी ये तीनों जो हैं बॉक्स में कर दू इनको बॉक्स में देखो ये तीनों जो है ना ये तीनों इनका संबंध किससे है आप कहोगे सर ये हॉकी से रिलेटेड है इंदिरा गांधी गोल्ड कप वुमेन्स हॉकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वुमेन्स हॉकी सिंधिया गोल्ड कप वुमेन्स हॉकी ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट है आगे बढ़ते हैं चौवालीस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी समस्या है जी फोर्टी फोर दिव्याशु करे हैं जीएस के भी क्वेश्चंस करवा दीजिए एप्लीकेशन का नाम क्या है पचास क्वेश्चन मैं फिर से एक हल्की सी आपको ब्रीफ इंट्रो दे, दे देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अभी चलने दो सॉरी सर लेट हो गया भाई ज्यादा लेट हो गए हो आप कोई बात नहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आप भोपाल आंसर दे रहे हैं क्या भोपाल में है आगे बढ़ते हैं पैंतालीस शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है आंसर करो भाई लो महापुरुषों के समाधि स्थल तो पता होने चाहिए ठीक है चौधरी चरण सिंह का क्या है आप कहोगे सर चौधरी चरण सिंह का तो किसान घाट है क्या है किसान घाट चौधरी चरण सिंह लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट क्या है विजय घाट है जी बोलोगे हाँ जी जवाहरलाल नेहरू का क्या है आप कहोगे सर शांति वन है जो कि आपसे प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी का क्या है आप कहोगे सर राजघाट है राजघाट दिल्ली में है ठीक है ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जिसने ऑप्शन सी दिया है आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस शहर में है भाई? बताओ। देखो भाई ये सर मैं यमुनोत्री से बिलोंग करता हूं उत्तराखंड से बहुत बढ़िया ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना इसका पहले नाम हुआ करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम याद रखेंगे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम स्टेडियम इसका 2019 में नाम चेंज किया है नरेंद्र मोदी भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है और कहां पर है गुजरात के अहमदाबाद में है ऑप्शन बी करेक्ट है अगला प्रश्न जापान की संसद का नाम क्या है भाई बढ़िया प्रश्न मैंने आपको क्या बोला है आप जिस टॉपिक पे हाथ रख दोगे ना उस टॉपिक से प्रश्न मिलेगा इस टेस्ट में भले ही एक या दो प्रश्न हो क्योंकि पूरा टॉपिक थोड़ी करा सकते हैं जब हम जीके मिक्स करवा रहे हैं तो जापान की संसद का नाम क्या है मुझे जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग जापान की संसद का नाम देखो ड्यूमा जो है वो रूस की संसद है रशिया की संसद है मजलिस जो है वो मालदीव की संसद का नाम है किसकी संसद है मालदीव की संसद है डायट क्या है जापान की संसद है और स्टोर्टिंग जो है ये नॉर्वे की संसद है किसकी है नॉर्वे की एक इंपॉर्टेंट है बोनस है क्योंकि ये आर्मी अग्निवीर 2023 में आया था आपसे पूछेगा ना कि जो नेसेट है वो किस देश की संसद का नाम है तो नाम क्या है नेसेट है चीजें क्लियर है क्या आपकी अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अड़तालीस लाई हरोबा और थांगटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है चलिए आंसर करो भाई लाई हरोबा नृत्य तो सभी को पता होगा ये जो थांगटा नृत्य है ना ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है ठीक है मार्शल आर्ट फॉर्म है डांस की लाई हरोबा थांगटा मणिपुर ऑप्शन डी आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखो माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है भाई जल्दी से आंसर दे दो इसका माउरी जनजाति ये मैंने विश्व की जनजातियां ली हैं मैं आपको चारों ऑप्शन बताऊंगा उनचास नंबर का आंसर दो सर सी सर्टिफिकेट है बहुत बढ़िया नेटवर्क बहुत स्लो है मैं देख लू एक बार मेरे पास सही चल रहा है कि स्लो है मेरे पास तो ओके okay चल रही है यार क्लास एकदम कैसे कह रहे हो अगर नेटवर्क गड़बड़ होता तो सबके कमेंट आते आपका नेटवर्क स्लो होगा भाई फिर सर थोड़ा तो बफरिंग हो ही रहा है <coughs> कैसे पता लगाऊं फिर अब इसका चलने देखिए क्लास या थोड़ा सा चेक करूं बताओ ना चलो जी देखो माओरी जनजाति के बारे में बात करूंगा न्यूजीलैंड में निवास करती है याद रखिएगा श्रीलंका में ना वेद्या जनजाति निवास करती है कौन सी जनजाति वेद्या जनजाति पूछेगा तो श्रीलंका में निवास करती है ठीक है जापान में कौन सी जनजाति है आप लोग कहेंगे सर एनु जनजाति ठीक है ना इसे आईनू भी कह देते हैं आईनू जनजाति ठीक है कनाडा में याद रखिएगा एसकीमो जनजाति कौन सी जनजाति एसकीमो जनजाति कहा निवास करती है तो कनाडा में निवास करती है हम ऑप्शन ए को आंसर दे रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 50 है स्ली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त तो होता है जल्दी से आंसर दे दो एक बार पचास नंबर सर बफरिंग नहीं है बढ़िया क्लास है सर पागल बना रहे हैं गा, गाली मत दे यार हो रहा है थोड़ा थोड़ा बफरिंग मतलब क्लास तो चल जाएगी ना हाँ सर चेक कीजिए एक बार आवाज तो सही आ रही है आप कहां से हो इतना नहीं हो रहा है क्लास चलने दो एक बार चेक कर लूंगा एक मिनट का टाइम दोगे क्या आप इस प्रश्न का आंसर दो मुझे एक मिनट का टाइम दे दो बस ठीक है ना आप इस प्रश्न का आंसर दे दो मेरे भाई बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप इस प्रश्न का आंसर दे दो एक बार मैं एक बार हल्का सा चेकआउट कर ही लेता हूं चलो जी आंसर देते रहेंगे भाई कोई रुकेगा नहीं क्योंकि मेरे माइंड में घूमता रहेगा बफरिंग हो रही है बफरिंग हो रही है सिर्फ एक मिनट ही लेंगे मुझे बस स्पीड टेस्ट करना है और कुछ नहीं कि स्पीड टेस्ट चल क्या रहा है आखिर चलो भाई स्पीड टेस्ट एकदम ओके है कोई बफरिंग नहीं है ठीक है ना मजे मतलब हल्का फुल्का बफरिंग हो रहा होगा यहाँ पे बारिश का मौसम है इस वजह से स्ली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी पचास का पचास का ए होगा क्रिकेट थोड़ा तो है सर कोई बात नहीं भाई अब चलने दो गुड बफरिंग नहीं हो रही है अब मेरे में तो नहीं हो रहा है क्वालिटी कम कर लो देखो जी अब अब हो गए हैं आपके पचास प्रश्न समाप्त अब शेड्यूल में पांच मिनट का समय तो दोगे दो, दो मिनट का अपने गुरुजी को देखो आज थी सत्ताईस मार्च सुन लो पहले ध्यान से कभी कल बोलो आज मैंने आपको करवाए हैं स्टैटिक जीके के हंड्रेड क्वेश्चन कल अट्ठाईस मार्च है कल आपको करवाऊंगा मैं जनरल साइंस की मैराथन क्लास होगी कल हंड्रेड क्वेश्चन ये पूरा 100 का वीक है आपका ये फिर हो जाएगा आपका 29 मार्च 29 मार्च को मैं आपको करवाने वाला हूं हिस्ट्री के हंड्रेड क्वेश्चन तैयार रहना बस भाई साहब धुआंधार क्लासेस नहीं रुकेंगी फिर हिस्ट्री के बाद हम करवाएंगे आपको जियोग्राफी के हंड्रेड क्वेश्चन और फिर इस महीने के अंत में इकतीस मार्च को मैं आपको करवाने वाला हूं भाई पॉलिटी के हंड्रेड क्वेश्चन किसके पॉलिटी के हंड्रेड क्वेश्चन चलेगा ना एक भी दिन गैप नहीं है सुबेरे दस बजे की टाइमिंग है टाइमिंग रहेगी सुबह दस बजे की ठीक है जी और आगे बढ़ने से पहले भाई साहब अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर्स नहीं लिए हैं तो ये लेने पड़ेंगे आपको बाईस अप्रैल से एग्जाम शुरू है एक टेस्ट सुबेरे और एक टेस्ट शाम को लगाना शुरू कर दो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो सुबह में क्लासेस ये इस समय वन फोर्टी नाइन का चल रहा है होली स्पेशल धमाका आपकी कॉल पे अभी भी वही है पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप लोग बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ना आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है जी जब खरीदोगे फिर एक इंटरेस्टेड पे क्लिक करने के बाद दो सेकंड छोड़ दीजिएगा आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप और मोबाइल पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ना अब बढ़ते हैं आगे ठीक है जी अब बढ़ते हैं अपनी आगे की क्लास की तरफ थोड़ा सा समय आपने दिया है इसके लिए तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर इक्यावन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया डैश में स्थित है आंसर दो भागा तो नहीं ना कोई भी नहीं सारे बने हुए हैं बहुत बढ़िया सर आप फौजी हो नहीं जी फौजी नहीं है फौजी की फैक्ट्री है फौजी तैयार करते हैं बताइए देखो फिरोजा कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया और यह है कहां पे ये आपको कहोगे सर दिल्ली में है बावन नंबर देखो जी हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं मैं इसके साथ आपको बोल दूं आप जोड़ लीजिएगा राजेंद्र प्रसन्ना चलो जी हरिप्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादक है जी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ठीक है ना सारंगी वादक में ना एक नाम याद रखिएगा पंडित राम नारायण क्या याद रखेंगे पंडित राम नारायण उस्ताद बिंदा खान उस्ताद बिंदा खान इनको बुंदू खान भी लिखते हैं ये याद रखिएगा इसके अलावा एक और है शकूर खान ठीक है ना शकूर खान क्योंकि मुझे लग रहा है सितार तबला वादन ये कम पूछेगा इस बार सारंगी वादन से प्रश्न बनाएगा मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से ठीक है ना आगे बढ़ते हैं तिरपन है नागर होल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई साहब फिफ्टी का आंसर देंगे जल्दी से रो जोट रंग बहुत अच्छी लाइन बोली है भाई कि देश भक्तों से ही देश की शान है देश भक्तों से ही देश का मान है हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है बहुत बहुत भाई। जी, 53 का देंगे। नागर होल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है जी आप देखो कर्नाटक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क क्लियर है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है जी केंद्रमुख नेशनल पार्क याद होगा आपको एक और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क ये चारों याद रखिएगा गड़बड़ नहीं करना आंध्र कर्नाटक में है 54 है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके राज्य से सही सुमेलित नहीं है आंसर देंगे जी 54 का सर एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले लो अरे मार के भगा देंगे वहां से पता लगे पांच हजार बिना जीते वहां पे फिर क्या होगा जिसका ऐप में कोई भी समस्या आ रही है ना ये पिछहत्तर छह सौ चौसठ एक सौ एक इस नंबर पे कॉल करिएगा पर बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट होगा तभी कॉल करिएगा ठीक है जी अभी कॉल नहीं लगेगा अभी मैं क्लास में हूँ बाद में लग नहीं है तो कहाँ का है नृत्य है असम का ओडिशा का, का थोड़ी है हटा दो इसको ठीक है आगे चलते हैं देखो तीजन बाई किस लोक नृत्य की कलाकार है यहां पर मैं आपको दो प्रश्न बताऊंगा पहले तो इसका आंसर दे दो ये जबरदस्त प्रश्न है तीजन भाई किस लोक नृत्य की कलाकार है भाई पचपन नंबर शास्त्रीय नृत्य असम का है बहुत बढ़िया शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं लाखों की भीड़ में फौजी अलग से पहचाने जाते हैं सारंगी वादन से एक प्रश्न आया था सीसीजीडी में चलो जी तीजन भाई नहीं आईओएस में नहीं है सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तीजन का संबंध पंडवानी नृत्य से है ऑप्शन ए पंडवानी कहाँ का नृत्य है तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है याद रखिएगा जी ठीक है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है देखो कालबेलिया राजस्थान का है ये मैंने आपको करवा दिया है पर इंपॉर्टेंट क्या है एक नर्तक है जिनका नाम है गुलाबो सपेरा क्या नर्तक है गुलाबो सपेरा एक डांसर है डांसर का नाम है ठीक है कालबेलिया नृत्य करते हैं ये प्लीज नोटबुक में लिखिएगा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ बाद में मत बोलना मणिपुर में अभी मैंने बताया था झावेरी बहने गुरु बिपिन सिंह छप्पन है देखो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई इंग्लिश में पढ़ोगे समझ पाओगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियन लो जी आसियन की स्थापना पूछा है कब हुई है क्या आप लोग बता पाओगे सियन का हेडक्वार्टर भी तो आ सकता है आपके पास हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर तो आप लोग जकार्ता फटाक से आंसर दे दोगे जकार्ता इंडोनेशिया में है इसकी जो स्थापना है ना वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जी बताओ क्लियर है चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आपके सामने है प्रसिद्ध सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है देखो ये प्रश्न तो आसान है पर जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं इसका भी आंसर देना ये जो बिहार का सोनपुर शहर है ठीक है ये किन नदियों के संगम पर है लो भाई क्या इसका आंसर आप लोग दे पाओगे किन नदियों के संगम पर है पांच सेकंड रुकूंगा बस सिर्फ और सिर्फ पांच सेकंड आंसर दो नहीं तो फिर मैं आंसर दूंगा फिफ्टी सेवन अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता बहुत शानदार आंसर दीजिएगा भाई प्रसिद्ध सोनपुर मेला तो बिहार का है यह तो सिंपल सी बात हो गई इसका आंसर याद रखिएगा किन नदियों के संगम पर है यह सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है पशु मवेशी मेला जिसको बोलते हैं यह जो है ना सोनपुर यह गंडक और गंगा नदी के संगम पर है गंडक और गंगा नदी के संगम पर है ये याद रखिएगा जी अगला प्रश्न देखो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दो प्रश्न हैं वो दोनों आपको पता लग जाएंगे बढ़िया प्रश्न है बढ़िया बहुत शानदार देखो क्लास कह रहे हैं कि लंबी हो रही है तो भाई सौ क्वेश्चन है लंबी जाएगी पर मजा आ जाएगा क्लास में इस बात की भी गारंटी है ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय देखो एथलेटिक्स की बात करेगा तो नीरज चोपड़ा जी को आंसर दीजिएगा नीरज चोपड़ा जी ने आपको पता है ना दो के जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था कौन सा ओलंपिक 2020 का टोक्यो ओलंपिक इसमें कौन सा मेडल जीता था इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था ये किस खेल से हैं आप कहोगे सर भाला फेंक से हैं भाला फेंक से हैं ठीक है जैवलिन थ्रो अभिनव बिंद्रा से आगे प्रश्न लिया है व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है दस मीटर एयर राइफल मैं आगे बताऊंगा आगे प्रश्न डाला है ठीक है ना जी अब मुझे ना एक प्रश्न इंपोर्टेंट बताना है ये केडी जाधव के बारे में इनके बारे में याद रखिएगा पहली चीज तो ये संबंधित है कुश्ती से यहां ना लिख के मैं ऊपर लिख दू स्पेस बढ़िया है के डी जाधव को पकड़ा है भाई ध्यान रखिएगा ये प्रश्न ना मैंने जिस दिन बताया था उससे अगले दिन दिल्ली पुलिस में आया था ये के डी जो है वो किस खेल से है आप कहोगे कुश्ती से है प्रश्न क्या है देखो जी उन्नीस के कौन सा ओलंपिक हेल सिंकी ओलंपिक उन्नीस के हेल ओलंपिक में इन्होंने कांसे पदक जीता था कौन सा पदक कांसे पदक अब बोलोगे सर ये कौन सा प्रश्न है प्रश्न ये है कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले भारतीय के डी जाधव पहला पदक किसने जीता है ओलंपिक में के डी जाधव ने जीता था याद रखिएगा पीवी सिंधु क्या है देखो जी ये पीवी सिंधु ना एकमात्र महिला है एकमात्र महिला जिसने लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने हैं जिसने दो लगातार ओलंपिक में पदक जीते हैं दगा लगातार ओलंपिक में पदक जीते हैं जी ठीक है ना पीवी सिंधु बैडमिंटन से है आप बोलेंगे सर 2016 का जो ओलंपिक था रियो वाला उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ठीक है रजत पदक और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था ठीक है जी टोक्यो ओलंपिक इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था ब्रॉन्ज मेडल ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको लिखना मत इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिखिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं हूं ठीक है ना आगे बढ़ रहा हूं भाई आगे देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं आंसर करिएगा कहने को सो प्रश्न है ये प्रश्न तो आपके तीन सौ प्लस कवर हो रहे होंगे जब आप क्लास को खत्म करेंगे चलो जी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं आप कहोगे सर चौबीस जनवरी को मनाया जाता है ऑप्शन ए आठ मार्च को क्या मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ये क्लियर है चीजें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दस जनवरी को क्या मनाते हैं आप कहोगे सर विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं जी अगला देखो प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ऑप्शन देख करके क्योंकि देखो सास बहु मंदिर दो जगह है वो दोनों ही एग्जाम में आते हैं एक सास मंदिर जो है ना ये उदयपुर में भी है उदयपुर राजस्थान में भी है भाई ठीक है और एक सास मंदिर ग्वालियर एमपी में भी है तो यहाँ पे उदयपुर तो ऑप्शन में नहीं है हम ग्वालियर को आंसर देंगे इकसठ देखिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राप्ती नदी के तट पर बसा है और मेरे भाई इंस्टाग्राम का भी हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है शुभम ई -E क्लासेस के नाम से और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है तो वहां पर भी ज्वाइन हो जाया करो कभी मेंशन मैं कर दिया करो यार अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राप्ती नदी के तट पर है राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर बसा है ऑप्शन डी अयोध्या शहर किस नदी के तट पर है तो आप लोग सरयू को आंसर दे देंगे सरयू नदी ठीक है ना लखनऊ और जौनपुर यह डिस्कस हो चुका है गोमती नदी अगला प्रश्न बासठ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य से संबंधित है आप देखो जी एक चीज याद रखना यह भी इंपॉर्टेंट है मैं आज ही लिखकर दे रहा हूं आपका एग्जाम एक, एक हफ्ता चलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा प्रश्न ठीक है देख लेना प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य से संबंधित है असम में, में अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है असम के गुवाहाटी में एक मंदिर है जिसका नाम है कमाख्या देवी मंदिर कमाख्या देवी मंदिर तो ये जो अंबुबाची मेला है ना अंबुबाची मेला ये कमाख्या देवी मंदिर में ही लगता है ये आप लोग याद रखिएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लो भाई द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है 63 का आंसर दीजिए जी, जी सर अब मैं जा रहा हूं बाद में क्लास कर लूंगा कोई बात नहीं जी बाद में देख लीजिएगा हमारा तो करवाना ही है हमको तो ठीक है ना और सारे मत चले जाना ठीक है भाई नहीं तो कल से फिर पचास प्रश्न आ जाएंगे सो की जगह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है ऑप्शन डी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है अब पिछले साल ना सानिया मिर्जा की बायोग्राफी आई थी सानिया मिर्जा की पुस्तक आर्मी वीर में आई थी कौन सी थी एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर तो सिंपल सी बात है प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक मैंने आपको पहले करवा दी है प्लेइंग इट माई वे ठीक है जी आगे चलते हैं खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी गड़बड़ होगी किसी की भी किसी भी प्रकार से खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ठीक है जी योगेश्वर दत्त के साथ साथ आपको बबीता फोगाट गीता फोगाट यानी कि फोगाट बहने याद रखिएगा बबीता गीता और विनेश फोगाट देखो क्योंकि ये ना अभी चर्चा में थी न्यूज में ठीक है ना विनेश फोगाट ये आपको याद रखना है ठीक है जी हम याद रखेंगे बजरंग पुनिया जी को कौन है बजरंग पुनिया भी कुश्ती से रिलेटेड है ठीक है जी इसके अलावा अभी मैंने जाधव बताए थे आपको इन सभी का संबंध कुश्ती से है मेरे भाई ठीक है ना कुश्ती ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं पैंसठ सिक्सटी फाइव कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है लो भाई अब आप फंसाऊंगा आपको मैं इस प्रेशर में फसाना है ठीक है ना इस प्रश्न में आपकी गाड़ी फंसेगी आंसर करेंगे क्या या नहीं करेंगे कुश्ती से हैं बहुत बढ़िया सर आप हरियाणा में कहां से हो मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट से हूं जी ठीक है देखो सबसे प्राचीन भारत का बंदरगाह कौन सा है देखो दो प्रश्न थे मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मुंबई है सबसे प्राचीन मुंबई नहीं है सबसे प्राचीन कोलकाता है याद रखेंगे क्या याद रखना ही पड़ेगा कोलकाता देखो कांडला बंदरगाह गुजरात में है गुजरात में कहां पर है गुजरात में आपको याद रखना है भारत का पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय है बंदर विशाखापट्टनम हाँ है आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश क्लियर है चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ो प्रसिद्ध माजुली उत्सव का संबंध किस राज्य से है देखो रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी यह माजुली उत्सव है ना आपको यह तो पता है ना एक माजुली नदी द्वीप है नदी द्वीप पड़ा होगा आप लोगों ने इतना जब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं माजुली नदी द्वीप कहां पर है आपको यह प्रश्न आया है एग्जाम में असम में है किस नदी पर है तो यह भी प्रश्न आया है कि ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है चीजें क्लियर है तो ये जो माजुली उत्सव है ना ये भी असम में ही मनाया जाता है गड़बड़ तो नहीं है कोई सभी का क्लियर है क्या क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जी अगला प्रश्न देख लो भाई उड़ा दो गर्दा गर्दा बस औरंग और, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे आप सिक्सटी सेवन पर पहुंच गए हैं बहुत बढ़िया लाइक कितने हुए हैं एक हजार क्यों भाई और बढ़ाइए लाइक चलो जी औरंग और नामेरी देखो जी औरंग राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हम बात कर लेते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान हम बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी काजीरंगा नेशनल पार्क ये सारे कहां पर है ये सारे के सारे असम में स्थित हैं जी आगे चलते हैं अपन प्रसिद्ध यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में है लो भाई आंसर दीजिए देखो यांगयाप के साथ साथ ना एक याद रखिएगा और यांगयाप दर्रा के साथ साथ एक दर्रा है इंपॉर्टेंट दीफू दर्रा कौन सा दर्रा दीफू दर्रा यांगयाप दर्रा एक और दर्रा है मुझे याद आ गया है तो बोम डीला दर्रा कौन सा दर्रा बोम डीला दर्रा ये लिखते रहना स्क्रीनशॉट लेके गए ये अरुणाचल प्रदेश में है साहब कहां पर है आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में है मणिपुर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है तुज्जू दर्रा कहां पर है मणिपुर में है सिक्किम में दो ही तो दर्रे हैं मेस्ट इंपोर्टेंट एक सिक्किम का दर्रा पूछता है आपसे पूछता है ना हमेशा तीन चीजें पढ़ी होंगी दर्रे है वो भी देखो जी एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट दर्रा थाल घाट दर्रा ये लिख लो ये बोनस है एक नाम है जिसका नाम क्या है भोर घाट दर्रा भोरघाट दर्रा देखो जी थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र में है आपने थाल घाट भोर घाट और पाल घाट पढ़ा होगा पाल घाट दर्रा अगर आ जाए ना एग्जाम में मेरे भाई तो पाल घाट दर्रा केरल में है ये चीजें क्या याद रहेंगी आपको ये याद तभी रहेंगी जब आप इन्हें लिखेंगे नोटबुक में और स्क्रीनशॉट ले लो भाई समय दे रहा हूं है ना जब आप इन्हें नोटबुक में लिखेंगे और रिवाइज करेंगे गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है एक और स्टैटिक जीके का जबरदस्त प्रश्न एक बार मेरा नाम ले लो मोहित कुमार जी आपका नाम ले लिया है ठीक है ना महेश चौहान कह रहे हैं बफरिंग गणगौर उत्सव किस राज्य में तो गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है ऑप्शन आपका डी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में सत्तर है कोलेरुज झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है कोलेरू झील किस राज्य में है जल्दी से कोई बताएगा कोलेरू झील अगर आप सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उस उसके राज्यों के साथ सही सुमेलित नहीं है देखो मैंने फिर से एक प्रश्न डाला है कि सही सुमेलित नहीं है क्योंकि चार प्रश्न कवर करवाऊंगा भाई ठीक है ना बताओ जी कौन सा सही सुमेलित नहीं है आखिरी के उनतीस प्रश्न बचते हैं जी <laughs> ताले बैठे क्या करें करना है कुछ काम शुरू करो क्लास लेकर शुभम सरजी का नाम जय हिंद हरे वाह रमेश देखो जी ओणम केरल का है सही है पोंगल तमिलनाडु का, का है सही है उगादी उत्सव कर्नाटक का सही है परंतु लोसर नागालैंड का नहीं है भाई लोसर कहाँ का है देखो जी मैं दो चीजें बताऊंगा आप कहोगे सर लोसर जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश का है अरुणाचल प्रदेश का अब सुनो जी एक है लोसुंग उत्सव लोसुंग अगर आ जाएगा लोसुंग सिक्किम का है लोसुंग त्योहार सिक्किम का है ठीक है ना अब ये जो लोसर है ना इसको लोसांग लिख देंगे तो लोसांग जो है ये लद्दाख में भी मनाया जाता है लद्दाख में ठीक है जी लोसुंग सिक्किम का है लोसर अरुणाचल प्रदेश का है ये लोसांग लोसांग नहीं होगा ये लोसार होगा लोसार लोसार लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों याद है कि लोसार और लोसर एक ही है लद्दाख में इसको लोसार बोल देते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसको लोसर कह देते हैं परंतु लोसुंग सिक्किम का है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक उसके लेखक के साथ सही सुमिलित नहीं है भाई इसका आंसर तो दे दो एक बार बढ़िया प्रश्न है ये तो आता रहता है एग्जाम में उमेश यादव के जैसे कहां लगते हैं यार हम गलत बात बताइए जी कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है अरे मुझे दिख रहा है ये बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है बुद्ध चरित्रम ये हर्षवर्धन की थोड़ी है ये पुस्तक तो किसकी है बुद्ध चरित्रम अश्वघोष की है भाई बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है अश्वघोष हैं बाकी सभी सुमेलित है आगे देखो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जल्दी से बताइए ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाया भी है प्रश्न आंसर दीजिएगा भाई बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सबसे पहले मिला था ये भारतीय महिला जो थी वो थी अरुंधति राय अरुणती राय को 1977 में मिला है पहला पॉइंट ये याद रखिएगा दूसरा इनकी जो पुस्तक आती है ना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पता है ना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लिए इस रचना के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था 1977 में चीजें क्लियर हैं ये 77 है या 1997 है थोड़ा सा डाउट में हूं देखो आशा पूर्णा याद रखेंगे पहली महिला पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिलने वाली पहली महिला हिंदी भाषा के लिए महादेवी वर्मा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है लो मेरे भाई आंसर दो थोड़ा सा ध्यान से पड़िएगा खिचड़ी पकी हुई है इसमें ठीक है ना खिचड़ी पकी हुई है देखो जी सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न तो मैंने आपको वैसे भी करवाया है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध ये मैंने आपको करवाया है क्लास में यह भी सही है परंतु सबसे लंबी जो नहर है ना वो कौन सी है आप कहोगे सर सबसे लंबी नहर तो इंदिरा गांधी नहर है कौन सी नहर है इंदिरा गांधी नहर है यानी कि यह पश्चिमी घाट नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जिसने ऑप्शन डी को दिया है ये एक प्रश्न नहीं है प्रश्न चार कवर हो गए हैं सर एक हो गए हैं क्या एक हो गया मेरे भाई पिछहत्तर देखिएगा सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया ठीक है मेरे पास एक बंदी ने ना मैंने शायद इंस्टाग्राम पर कल या परसों रील डाली थी उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था उसका जवाब मैं यहां दे दूंगा अगर वो भाई क्लास देख रहा होगा नाम तो मुझे याद नहीं है देखो जी पहली चीज ये जो नोबेल पुरस्कार है आपसे पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई पहला प्रश्न तो यही पूछेगा ना इसकी शुरुआत फिर पूछेगा यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है कितनी फील्ड में दिया जाता है कितने क्षेत्रों में इसको देते हैं कितनी फील्ड में देते हैं अब इसके अलावा एक और प्रश्न है ये किस दिन दिया जाता है ठीक है ना जी ये किस दिन दिया जाता है इसकी किसकी याद में मनाया गया है ये किसकी याद में दिया जाता है ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए किसकी याद में दिया जाता है दूसरा चीज क्या है आपसे एक प्रश्न अलग से पूछता है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये प्रश्न उस लड़के ने पूछा था शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है किस देश के द्वारा दिया जाता है ये सारी चीजें याद होंगी तभी तो मजा आएगा अब देखो जी पहले मैं इसका ही आंसर दे दूं फिर इस पे आऊं क्या पहले इधर देख लो ठीक है ना शुरुआत हुई थी 1901 में टोटल छह क्षेत्रों में दिया जाता है गणित में नहीं दिया जाता है. एक प्रश्न पूछता है गणित में नहीं दिया जाता है याद रखिए गणित में पुरस्कार होता है किस दिन दिया जाता है तो ये दस दिसंबर को बांटते हैं दस दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस होता है दस दिसंबर को यह पुरस्कार बांटा जाता है किसकी याद में आप कहेंगे सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था अठारह में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना ये याद रखिएगा नॉर्वे नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो शहर में इसको देते हैं नॉर्वे का जो ओस्लो शहर है ना शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे नॉर्वे का ओस्लो शहर दिया है और जो बाकी के नोबेल पुरस्कार है ना बाकी के पुरस्कार वो देते हैं स्वीडन के द्वारा स्वीडन के स्कॉट होम शहर में दिया जाता है बाकी के जो नोबेल पुरस्कार बसते हैं बाकी के जो पांच नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है परंतु जो शांति का है वो नॉर्वे के ओस्लो शहर के द्वारा दिया जाता है ये आप लोग याद रखिएगा अब ठीक है अब देखो जी सी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला है 1979 में मदर टेरेसा को मिला है शांति के क्षेत्र में आप लोग पूरा लिखिएगा मैं बोल के लिख दे रहा हूं शांति के क्षेत्र में 1968 में मिला है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है हर गोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में जेनेटिक कोड के लिए और 1998 में मिला है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर स्क्रीनशॉट लेने का कोई भी इच्छुक है तो ले सकता है जी क्वेश्चन नंबर तेईस के टॉपिक का नाम बता दो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर तेईस का टॉपिक बिल्कुल बता देंगे इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है इसका आंसर दे दो भाई ठीक है ना ये तेईस का टॉपिक कहां गया ये तेईस नंबर कौन सा था भाई तेईस 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 ये भारत में प्रथम टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम ठीक है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन हो जाएगा ऑप्शन बी बेसबॉल किसका है आप कहोगे सर बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जी बिल्कुल सही है क्रिकेट किसका है तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और फील्ड हॉकी जो है अपने इंडिया का राष्ट्रीय खेल है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं गोदान गब्बन रंगभूमि कर्मभूमि इत्यादि पुस्तक के लेखक कौन है आपसे ना गोदान और गब्बन तो पूछता ही पूछता है एग्जाम में ठीक है जी जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग को सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पता है इनकी एक पुस्तक है चिदंबरा जो कि अक्सर एग्जाम में आती है चिदंबरा के लेखक कौन है सुमित्रा नंदन पंत है ठीक है जी रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात नहीं करूंगा नहीं तो ये पूरा पेज भर जाएगा फिर भी पुस्तकें कंप्लीट नहीं होंगी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में याद रखिएगा पद्मावत की रचना किसने की है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है और गोदान गब्बन रंग भूमि करम भूमि निर्मला ये जो पुस्तकें हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी की है ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा अगला प्रश्न सेवनटी है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है आंसर करिएगा सेवनटी बफरिंग तो कर रहा है यार कभी कभी कोई बात नहीं क्लास तो पसंद आ रही है ना क्लास में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना आंसर देंगे फटाफट से भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां है देखो जी जो लाख अनुसंधान संस्थान है वो रांची में है ऑप्शन बी धनबाद में याद रखिएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान केंद्रीय खनन खनन एक तो राइटिंग ना मैडम लोग से बहुत मार खाई है मैंने राइटिंग सुधार नहीं हुआ केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है धनबाद में है ये कानपुर याद रखिएगा देखो जी केंद्रीय चीनी केंद्रीय चीनी ठीक है जी और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भारतीय दलहन यानी कि चीनी और दाले जो हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है लखनऊ में औषधि वाला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान 79 शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है भाई आंसर चाहिए ही चाहिए शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है आप कहेंगे सर ये जो है कृष्णा नदी के तट पर है जी आगे बढ़ते हैं भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे अस्सी नंबर का आंसर दो जी ठीक है जी सर हमारी भी राइटिंग सही नहीं है चलो कोई बात नहीं आपको तो बस टिक करना है ना कंप्यूटर पे आंसर दीजिएगा भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग जो है उनकी संख्या कितनी है आप लोग बारह टोटल है। अगला ना डिटेल में बताया है अब डिटेल में नहीं बताऊंगा ठीक है ना के डी के बारे में बता दिया है पीटी उषा इन्हें उड़न परी कहते थे जी ठीक है जी कर्णम मलेश्वरी देखो पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था पहली महिला ठीक है जिसने ओलंपिक में पदक जीता था किसमें 2000 के ओलंपिक में 2000 में ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था कांस्य पदक ठीक है जी शायद सिडनी ओलंपिक था 2000 का ठीक है ना कांस्य पदक जीता था और ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं तो ये है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है याद रखिएगा अच्छा यह ओलंपिक पहले भारतीय के डी जाधव हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है ना के डी जाधव वैसे ना व्यक्तिगत ओलंपिक में ना क्या नाम है उनका अभिनव बिंद्रा भी है व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले और अभिनव बिंद्रा भी है पर वो स्वर्ण पदक है देखो जी ये व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय के डी जाधव मैंने आपको बताया है इनके बारे में अभी अभी उन्नीस के हेल सिंकी ओलंपिक में कौन से ओलंपिक में उन्नीस सौ बावन के हेल्स के ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था इन्होंने भी शायद कांसे पदक जीता था हाँ जी का पदक जीता था क्लियर है कुश्ती से है व्यक्तिगत तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले गोल्ड मेडल तो आप लोग अभिनव बिंद्रा को आंसर देंगे अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा को आंसर दीजिएगा दस मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी से संबंधित है ये निशानेबाजी इन्होंने अगर आप समझ लो प्रश्न को ध्यान से पहले व्यक्ति बोलेगा तो पदक, के डी जाधव ठीक है कांस्य पदक उन्नीस सौ बावन के हेल्सन ओलंपिक में पहली महिला बोलेगा तो कर्णम मलेश्वरी दो हजार के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में अगर बोलेगा व्यक्तिगत तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक तो अभिनव बिंद्रा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है ज्वेलिंग थ्रो क्लियर है अब स्क्रीनशॉट मारो या ना मारो मैं चल रहा हूं आगे प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है बयासी नंबर का आंसर दीजिएगा हम काले हैं तो क्या हुआ शुभम सर के दीवाने हैं अच्छा जी क्या बात है गुरुदेव आपने क्वेश्चन तेईस में जो आपने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है उस टॉपिक का नाम क्या है तेईस में यार भारत में प्रथम है तेईस में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ही नहीं कुछ भी हजार स्तंभ मंदिर याद रखिएगा तेलंगाना के वारंगल में है ऑप्शन हजार स्तंभा मंदिर इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित नहीं है देखो फिर से प्रश्न डाला है मैंने स्थित नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आपके चार प्रश्न कवर कर रहा हूं मैं यहां से ठीक है ना अब देखो जी बेम्बनाड़ झील केरल पेरियार झील केरल अष्टमुड़ी झील केरल तसो मोरोरी झील और एक और याद रखिएगा पैगोंग तसो झील कौन सी झील पैगोंग तसो झील ये दो झीलें इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों झीलें कहाँ की हैं ये दोनों की दोनों लद्दाख की झीलें हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ऑप्शन सी चीजें क्लियर हैं ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा मैं आगे चल रहा हूं अगला प्रश्न देख लो एक बार आप लोग फटाफट से भारत में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या आंसर देंगे ओडिशा आंसर देंगे ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं बैंकॉक किस देश की राजधानी है यह भी टॉपिक है राजधानी वाला राजधानी और मुद्रा पता होनी चाहिए गुड क्या बात है जी लास्ट में सभी का स्कोर पूछूंगा कमेंट बॉक्स में कितना हुआ है बैंकॉक किस देश की राजधानी है जी, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है ऑप्शन सी मलेशिया की राजधानी क्या है क्वालामपुर इंडोनेशिया की जकार्ता भूटान की थिम्पो। ठीक है आगे बढ़ते हैं किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहते हैं जी देखो जी महलों का शहर साथ में एक चीज और जोड़ लीजिएगा डायमंड हर्बर डायमंड ठीक है जी डायमंड और महलों का शहर किसे बोलते हैं कोलकाता को कहते हैं जी ऑप्शन बी करेक्ट है लखनऊ को नवाबों का शहर क्या बोलते हैं नवाबों का शहर लखनऊ जोधपुर मैंने आपको बताया है दोबारा बता देता हूं भाई ब्लू सिटी बोलते हैं और बोलते हैं सन सिटी किसको जोधपुर को जमशेदपुर को याद रखिएगा इस्पात नगरी स्टील सिटी इस नगरी जमशेदपुर को और भारत का पीटस बर्ग भारत का पीटसबर्ग किसे कहा जाता है तो यह भी कहते हैं जमशेदपुर को क्लियर है अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है ऑप्शन बी करेक्ट है ठीक है जी ये छोटे छोटे प्रश्न है तो डायरेक्ट चल रहा हूं नल सरोवर पक्षी अभियण्य कहा है इसका भी डायरेक्ट आंसर दूंगा सिर्फ दो सेकंड में एटी एट का आंसर देंगे भाई पबजी लवर आई लव यू अच्छा जी प्लीज फास्ट ओके जी कोई बात नहीं नल सरोवर गुजरात में है ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया है उनका राइट एटी देखो जी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है जल्दी बताएंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी आप कहोगे सब अठारह में हुई थी बिल्कुल सही है इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और लुसाने कहां पर है तो आप कहोगे सर लुसाने जो है ना ये स्विट्जरलैंड में है ठीक है जी याद रखेंगे अगला प्रश्न देखिए भारत में किस वर्ष सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया है ओलंपिक से आज ना चार से पांच प्रश्न है आज के सेशन में जीके था भाई स्टेटिको प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाए हैं और मुझे लगता है कि मैंने आपको सो छोड़ के तीन सौ प्लस प्रश्न करवा दिए होंगे आज भारत में किस वर्ष सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था आप कहेंगे सर उन्नीस के ओलंपिक में उन्नीस में ओलंपिक हुआ था पेरिस में उन्नीस का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भारत ने सबसे पहले भाग लिया था यानी कि दूसरे ओलंपिक में पहला ओलंपिक अठारह में ठीक है जी पहला ओलंपिक हुआ था पहला आधुनिक ओलंपिक जो है वो कब हुए थे पहले आधुनिक ओलंपिक जो है वो अठारह में हुए थे दूसरा चार साल बाद आते हैं 1900 में हुआ था पेरिस में और भारत ने इस दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था ड्यूस और एस शब्द का संबंध किस खेल से है ड्यूस और एस शब्द किस खेल से रिलेटेड है बैडमिंटन फील्ड हॉकी लॉन्ग टेनिस पोलो आंसर दीजिएगा लॉन्ग टेनिस को 92 देखिए सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग क्या याद रखेंगे इसमें देखो जी सरहुल पर्व मुख्य रूप से झारखंड ओडिशा वेस्ट बंगाल ठीक है एक स्टेट और है माइंड से मिस हो रहा है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी आगे बढ़िए प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहां स्थित है भाई आंसर देंगे फटाफट से अब स्पीड में चल रहा आप ज्यादा समय लेंगे ही नहीं एक कहेंगे सर ये जो है ना वृंदावन समझ के आप उत्तर प्रदेश मत कर देना वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है कहां पर है मैसूर में और मैसूर कहां पे है कर्नाटक में है ऑप्शन ए आप देखो ये वाला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है इससे दो प्रश्न बनते हैं आपसे एक पूछेगा कि जो धुआंधार जलप्रपात है ना ये किस नदी पर है मेरे भाई किस नदी पर है आप कहेंगे साब नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात और मध्य प्रदेश में है तो ऑप्शन ए को भी आंसर दे दो पिचानवे नंबर देखो भाई प्रसिद्ध लिंगराज और मुक्तेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है है तो ओडिशा में है तो ओडिशा में देखो जी ये लिंगराज मंदिर का याद रखिएगा लिंगराज मंदिर की स्थापना पूछ लेता है ठीक है ना किस वंश के शासक द्वारा तो याद रखिएगा सोम वंश के जो शासक थे कौन थे ययाति केसरी वंश के शासक ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था यह याद रख लीजिएगा और लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर दोनों की दोनों ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में है ऑप्शन बी करेक्ट है जी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स प्रसिद्ध बोधो का ताबो मठ किस राज्य में है थोड़ी सी डिटेल में चलेंगे क्योंकि ये मठ से प्रश्न अब बन रहे हैं एग्जाम में लगा के दौलत में आग हमने ये शौक पाले हैं कोई पूछे तो कह देना इंडियन आर्मी के दीवाने हैं गुड देखो जी मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखो ठीक है देखो ताबो मठ इसके अलावा ना एक मठ और है जिसका नाम क्या है आप कहोगे सर करदांग मठ याद रखना लिख लेना भाई करदांग मठ ठीक है जी एक और मठ है जिसका नाम है गुरु घंटाल मठ हंसना नहीं किसी को भी गुरु घंटाल मठ ठीक है जी ताबो मठ गुरु घंटाल मठ और करदांग मठ ये तीनों हिमाचल प्रदेश के हैं जी तीनों हिमाचल प्रदेश के हैं ये लद्दाख वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एस एस दोनों में आया था कौन सा मठ आता है लद्दाख से आपसे बोलेगा कि हेमिस मठ कहाँ है बोध का मठ है तो लद्दाख में है सिक्किम में इंपॉर्टेंट है देखो जी सिक्किम में दो मठ हैं एक मठ का नाम क्या है आप कहेंगे सर फोदोंग मठ एक मठ है फोदोंग मठ और एक मठ है रूम टेक मठ कौन सा मठ रूम टेक मठ अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे इंपॉर्टेंट मठ है वो कौन सा है तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में है ये चीजें याद रहेंगी क्या स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से आगे बढ़ते हैं 97 किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है सिंपल है ये मैंने कल ही करवाया है आपको 97 वाला सर बहुत हार्ड लेवल है नहीं मेरे दोस्त यही तो आपको पता नहीं है अभी देखो आजाद देश रतन और अजात शत्रु ये किसके उपनाम है लोकप्रिय आप कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है ये चित्रंजन दास का याद रखिएगा देश बंधु किसको बोलते हैं चित्रंजन दास को बोलते हैं देश बंधु चित्रंजन दास को बोलते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी भाई 98 एट नंबर पे आ गए हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अच्छा विनोवा भावे से एक याद रखना मेरे माइंड में आया है पवनार आश्रम अगर बोल देना कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की है तो विनोवा भावे ने की है यह है आज का सेकंड लास्ट ठीक है आंसर दीजिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है यह कथन किसका था आंसर दीजिए नाइनटीन नंबर एकदम जबरदस्त प्रश्न बिस्मिल पक्की बात है अच्छा जी कोई बात नहीं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन सी कवि प्रदीप के बारे में मैंने क्या बताया था भाई ए मेरे वतन के लोगों गीत अगर आएगा ए मेरे वतन के लोगों ए मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने क्या लिखा था भाई विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत किसने लिखा है तो यह लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने क्लियर है चीजें अब क्लियर है तो यह आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इसके बाद सेशन होता है समाप्त कमेंट कर दीजिएगा कि सौ में से कितने राइट हुए हैं पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको और अभी जाएगा नहीं कोई भी आपके कमेंट भी पढ़ेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन जो दोबारा से मुझे देनी है वो लेकर जाइएगा क्या गाते हो आप अच्छा जी सर आपसे बात करनी थी बिल्कुल कर लेंगे आप देखो जी कौन सा देश उसकी राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं है क्या आंसर करेंगे लेबनान की राजधानी बेरूत सीरिया की दमिश्क ये तो आपके आर्मी में प्रश्न आ चुका है बहरीन की की मनामा अरे भाई फिनलैंड क्या है हेल कैपिटल है फिनलैंड की कैपिटल क्या है हेल है बर्लिन तो किसकी है भाई बर्लिन तो जर्मनी की कैपिटल है है ना यानी कि ऑप्शन डी सही सुमिलित नहीं है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जी सो नंबर का क्या है जी फिनलैंड हेल बहुत ही शानदार चलो जी भाई ये प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़ देना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कभी दिल फौज से लगा कर तो देखो सो क्वेश्चन कंप्लीट जल्दी से कमेंट कर दो सो so में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और एक और इंपॉर्टेंट कल है अट्ठाईस मार्च ये हमारा सेशन चल रहा है हंड्रेड क्वेश्चन वीक का तो कल सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान की हंड्रेड क्वेश्चंस की मैराथन क्लास कल लगेगी ठीक है जी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी टाइम रहेगा सबेरे दस का 5 दस मिनट ऊपर नीचे हो जाता है क्लास में कोई बात नहीं पर सुबह दस बजे कंफर्म समझिएगा ठीक है ना इसका जो पी है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सिंगर बन जाओ अच्छा जी कोई बात नहीं सिंगर आपकी सर क्या दर्द है आपकी आवाज में <laughs> अच्छा जी और कुछ और कोई भाई चलिए जी आंसर करेंगे सर शायरी बता दो वतन की मोहब्बत में खुद को टपाए बैठे हैं वतन की मोहब्बत में खुद को टपाए बैठे हैं मरेंगे वतन के लिए ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं आंसर दीजिएगा भाई साहब आंसर क्या देंगे आप ये बताओ कितने सही हुए हैं आपके और भाई जाने से पहले हां जी हम सिंगर भी हैं भाई ऑलराउंडर हैं अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है देखो भाई एक सुबह एक शाम आपको टेस्ट लगाना इसमें करंट अफेयर भी डाला है और नेगेटिव मार्किंग भी है ऐप है शुभम क्लासेस देख लो ध्यान से फेक भी बने हुए हैं

व्हाट्सएप पर मोबाइल पे दोनों में मैसेज आएगा मैसेज में आपको लिंक पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू करेंगे आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा आप गूगल पे फोन पे पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है पिचहत्तर छह सौ चौसठ एक सौ एक आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है अब बताइए भाई सौ में से कितने राइट हुए हैं सतासी सही हुए हैं सर बहुत बढ़िया गुड सर अखंड सिंगल है अखंड सिंगल क्या होता है वे <laughs> आर्मी वाला छोरा सर अखंड सिंगल लग रहे हैं अजय फौजी सिंह वह मजा कहां बाबू सोना के प्यार में वह मजा कहां बाबू सोना के प्यार में जो मजा है फौज के किरदार में बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड चलिए जी बहुत शानदार आज की क्लास के लिए थैंक्स सवेरे दस बजे तैयार रहिएगा भाई मेरा भी कमेंट पढ़ लो कंपो रेसर टारगेट 1600 मीटर तुम्हें दिल लगी वाला सॉन्ग एक बार फिर से सुना दो पक्की बात है देख लो फिर तुम्हें दिल लगी सुनना है क्या कोई बात नहीं भाई तो आपको तुम्हें दिल लगी भी सुना देंगे दिक्कत मत लीजिए ठीक है <coughs> दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तो अब अगले साल आएगी सारा बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सो मच जी देखो भाई उसको अपन आर्मी से रिलेट करके गा रहे हैं प्यार मोहब्बत मत लेना कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कभी दिल तुम आर्मी से लगा कर तो देखो मैं जिस दिन भूला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन हो मेरी जिंदगी का अब मैं जा रहा हूं भाई रख रहे ठीक है ना काट के, अब के पे अपलोड करने लग जाना <coughs> टेलीग्राम नहीं खुल रहा है टेलीग्राम पर सर्च कर लो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना सुबह में क्लासेस मिल जाएगा एप्लीकेशन में आप कोर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं खरीद सकते हैं अब चलते हैं भाई सेशन को बंद करने सुबह मिलेंगे दस बजे शाम को पांच बजे मैथ की क्लास ऐसम भी जुड़ेगा आप हाँ सभी को जय हिंद जय भारत